राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रहा। बदमाश पुलिस पर भी गोली चलाने से नहीं चूकते हैं। बदमाश पुलिस थाने के बराबर में भी गोलियां चलाने से नहीं डर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी के महिला थाने के बराबर का है, जहाँ बीती रात बदमाश ने पहले तो फोन पर एक मोबाइल शॉप के मालिक से रंगदारी मांगी। उसके बाद चंद घंटों में ही दुकानदार पर रंगदारी ना देने से गोलियों की बौछार कर दी। यह सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक बदमाश दुकान में फायरिंग कर रहा है। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में किसी को गोली नहीं लगी। सोचने वाली बात यह है कि बराबर में महिला थाना है और बदमाश के हौसले इतने बुलंद है। इस पर पीड़ित दुकानदार का क्या कहना है, आप कुछ सुनिए। सर, मेरे को फिरोजी की धमकी आई थी फोन पे 8:50 पर। उसी के थोड़ी देर बाद मेरी दुकान पे गोलियां चली। सर, नाम लिया जा रहा था किसी अनिल धुना जगह। सर, फायरिंग 9:15 के बाद हुई है, 50 लाख रुपए। सर, 7-8 राउंड फायरिंग हुआ। सर, मैं नहीं था, मैं डेथ में गया हुआ। नहीं, गोली किसी की नहीं, गोली खाली काउंटर में लगी है। सर, अभी किसी का कुछ पता नहीं लगा है। पुलिस वाले तो काम कर ही रहे हैं अपना, बाकी अभी तक कुछ पता नहीं लगा। सर, सामने था ना, चलता और रोड है, दिक्कत तो यही है, सेफ है ही नहीं है किसी प्रकार से, है ही नहीं सेफ्टी किसी तरीके की। चलते रोड पर 9:15 फायरिंग हो रही है, क्या होना है? आई है दे रखी है। सर, कुछ दिख रहा है बंदे का जिनने गोली चलाई है, उसका कुछ हल्का चेहरा दिख रहा है। पूरा मामला ये था, हम दुकान पर बैठे थे अंदर, दो बंदे बाइक पर आए, एक उतरा उसमें से फायर कर लो। सर, हमारे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं था ये देख रहा हूँ, चार जन निकल कम था नहीं गोली सीसीटीवी कैमरे हमारे लगे हुए, पुलिस वाले ले गए। रंगदारी मांगने वाला बदमाश अपने आप को अनिल दुदाना गैंग का सदस्य बता रहा है और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।